Hello friends, welcome back to your own channel Unique Inspiration. आज के नए वीडियो में सीखेंगे नए इंग्लिश के सेंटेंसेस, सीखेंगे नए इंग्लिश के वर्ड्स और करेंगे अपनी वोकैबुलरी को और इम्प्रूव. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. पहला सेंटेंस है, तुम सबसे ज़्यादा किससे डरते हो? What are you most afraid of? What are you most afraid of? Next sentence is, उससे नरमी से बात करो. Talk to her gently. Talk to her gently. तुम किसके साथ जा रहे हो? Who are you going with? Who are you going with? तुम हमेशा बड़बड़ाती रहती हो. कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा बड़बड़ करने की, तो तुम हमेशा बड़बड़ाती रहती हो. इंग्लिश में कहेंगे, यू ऑलवेज कीप बैबलिंग. यू ऑलवेज कीप बैबलिंग. आज तुम खुश लग रहे हो. यू लुक हैप्पी टुडे. यू लुक हैप्पी टुडे. वह बहुत बातों नहीं है. शी इज़ वेरी टॉकेटिव. शी इज़ वेरी टॉकेटिव. कल मैंने पूरे दिन अपनी कार चलाई. यस्टरडे आई ड्रोव माई कार ऑल डे. यस्टरडे आई ड्रोव माई कार ऑल डे. क्या तुम्हें कब्ज है? डू यू हैव कॉन्स्टिपेशन? Do you have constipation? क्या तुमने डकैती के बारे में सुना? Have you heard about the robbery? Have you heard about the robbery? तुम कांप क्यों रहे हो? Why are you shivering? Why are you shivering? मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा. I will never forget that day. I will never forget that day. अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? How are you feeling now? How are you feeling now? यह विश्वास करना मुश्किल है. It's hard to believe. It's hard to believe. मैं बेरोजगार हूँ. I am unemployed. I am unemployed. तुमने क्या देखा? What did you see? What did you see? क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? Do you believe in God? Do you believe in God? उन्होंने थोड़ा पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया. They caught him after short chase. They caught him after short chase. मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे लगे. I like your outfit. I like your outfit. क्या तुम यहाँ नए हो? Are you new around here? Are you new around here? वह बहुत आलसी है. He is very lazy. He is very lazy. मैंने हर जगह देखा. I have looked everywhere. I have looked everywhere. अनजान बनने की कोशिश मत करो. Don't pretend to be ignorant. Don't pretend to be ignorant. मैं जब पिछली बार आया था तब वह अनुकूल नहीं था. He was not friendly during my last visit. He was not friendly during my last visit. वकील हड़ताल पर हैं. Lawyers are on strike. Lawyers are on strike.
मैं समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है. आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन. आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन. तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है. हाउ मच सैलरी आर यू गेटिंग. हाउ मच सैलरी आर यू गेटिंग. आपको यहाँ अच्छा लगा. डू यू लाइक इट हेयर. डू यू लाइक इट हेयर. यह गैर कानूनी है. इट्स इलीगल. इट्स इलीगल. वह बहुत अशिष्ट था. ही वॉज सो रूड. ही वॉज सो रूड. आपने मेरी बहुत मदद की है. यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट. यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट. आपको कभी मेरे घर आना चाहिए. यू शुड कम टू माई हाउस समटाइम्स. यू शुड कम टू माई हाउस समटाइम्स. सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वोकैबुलरी. अफ्रेड. अफ्रेड का हिंदी में मतलब होता है डरना. अफ्रेड यानी डरना. जेंटली. जेंटली को हिंदी में बोलते हैं सौम्यता से. सौम्यता से. बैबल. बैबल यानी बड़बड़ाना. बैबल का हिंदी में अर्थ होता है बड़बड़ाना. टॉकेटिव. टॉकेटिव को हिंदी में कहते हैं बातूनी. टॉकेटिव यानी बातूनी. कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का हिंदी में मतलब होता है कब्ज. कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज. शिवर. शिवर को हिंदी में कहते हैं कांपना. शिवर यानी कांपना. चेज. चेज को हिंदी में कहते हैं पीछा करना. चेज यानी पीछा करना. अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड का हिंदी में अर्थ होता है बेरोजगार. अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार. बिलीव. बिलीव का हिंदी अर्थ होता है विश्वास. बिलीव यानी विश्वास करना. आउटफिट का हिंदी में अर्थ होता है परिधान. यानी जो आपने कपड़े पहने हैं. आउटफिट यानी परिधान. प्रिटेंड को हिंदी में कहते हैं बहाने बनाना. प्रिटेंड यानी बहाने बनाना. इग्नोरेंट. इग्नोरेंट का हिंदी में अर्थ होता है अनजान. इग्नोरेंट यानी अनजान. स्ट्राइक. स्ट्राइक को हिंदी में कहते हैं हड़ताल. स्ट्राइक यानी हड़ताल. इलीगल. इलीगल का हिंदी अर्थ होता है गैर कानूनी. इलीगल का हिंदी में अर्थ होता है गैर कानूनी. तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस का सेक्शन. इस सेक्शन में मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूँगी, जिसको कि आपको देखना है कि आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हैं. अगर आप कहीं पर अटक जाते हैं या किसी वर्ड को, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में क्या कहेंगे आपको याद नहीं आता है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए और वोकैबुलरी सेक्शन में या फिर जो डेली इंग्लिश का सेक्शन है उसमें जाकर चेक करिए. इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को और अपनी फ्लुएंसी को और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस. आप सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं. उससे नरमी से बात करो. तुम किसके साथ जा रहे हो. तुम हमेशा बड़बड़ाती रहती हो. आज तुम खुश लग रहे हो.
वह बहुत बात होनी है। कल मैंने पूरे दिन अपनी कार चलाई। क्या तुम्हें कब्ज है? क्या तुमने डकैती के बारे में सुना? तुम कांप क्यों रहे हो? मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? यह विश्वास करना मुश्किल है। मैं बेरोजगार हूँ। तुमने क्या देखा? क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? उन्होंने थोड़ा पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया। मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे लगे। क्या तुम यहाँ नए हो? वह बहुत आलसी है। मैंने हर जगह देखा। अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं पिछली बार आया था तब वह अनुकूल नहीं था। वकील हड़ताल पर हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हें कितनी तनख्वाह मिल रही है? आपको यहाँ अच्छा लगा? यह गैर कानूनी है। वह बहुत अशिष्ट था। आपने मेरी बहुत मदद की है। आपको कभी मेरे घर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जानने वालों के लिए साथ में, और जिनको आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस यूज़फुल हो सकते हैं, उनके साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने सुझाव अपने कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।